हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से सूचना विभाग वापस ले लिया गया है और अब इस सूचना विभाग को नवनीत सहगल को सौंप दिया गया है, जो कि प्रमुख सचिव के तौर पर ये नई जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रणवीर, यूपी में रेप की घटनाओं को रोकने या क्राइम को रोकने की बजाय सूचना ठीक से नहीं पहुंच रही है, इसका पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है मुख्य सचिव पर या अपर मुख्य सचिव पर? देखिए, एक बड़ा मामला ऐसा हाथरस में हुआ जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति हुई और सरकार ने ट्रांसफर करने की जगह पे मीडिया मैनेजमेंट किया है, क्योंकि एक पावरफुल अधिकारी जिनके पास होम भी है और सूचना विभाग भी है, उनसे सूचना विभाग की जिम्मेदारी ली गई है और ये कहा गया है कि अब वो नवनीत सहगल संभालेंगे। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में भी सूचना विभाग संभाल चुके हैं, तो मीडिया मैनेजमेंट कैसे हो, हेडलाइन कैसे चेंज हो जाए, अखबारों में कैसे सरकार के पॉजिटिव खबरें छपे, इसकी कोशिशें दिखाई दे रही है। लेकिन अब तक हाथरस के डीएम एसपी समेत किसी बड़े अधिकारी पर, या ये कहें कि किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। तो सरकार को अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की जगह पे मीडिया का मैनेजमेंट करना है। ये जो कार्रवाई हुई है इससे यही साबित होता है। रणवीर, इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था आप मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन सूचना कैसे मैनेज करनी है उसका जो है मैसेज साफ तौर पर दे दिया इस रद्दो बदल से।